नमस्कार, आप देख रहे हैं हमका 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिण दिल्ली में, हमारे साथ मौजूद हैं दक्षिण दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी सुनील कुमार तंवर जी। आज हम इनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेके, राजनीतिक मुद्दों को लेके। सुनील जी, आपका हमका 24/7 में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको निर्दलीय मोर्चा से दक्षिण दिल्ली से प्रत्याशी बनाया गया है, वो भी रमेश भदुड़ी के विरुद्ध, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो अभी कहना मुश्किल है कि रमेश भदुड़ी जी के विरुद्ध या किसी के, क्योंकि अभी बाकी पार्टियों ने तो अपने अपने कैंडिडेटों को अनाउंस ही नहीं किया है। बाकी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं निर्दलीय मोर्चा के माध्यम से दक्षिण दिल्ली का प्रत्याशी नियुक्त हुआ हूँ। भाई राजन जी के इस मुहिम में, इस आंदोलन में मेरा भी बड़ा सहयोग रहेगा। मैं इस बात के लिए बहुत बहुत राजन जी का धन्यवाद करता हूँ। सभी पार्टियों का एक एजेंडा होता है जिसके बिहार पे वो चुनाव लड़ते हैं। आपकी पार्टी का, निर्दलीय मोर्चा का क्या एजेंडा है जिसके उस पर आप चुनाव लड़ रहे हो, जनता के बीच में वोट मांगने जाओगे, क्या कहेंगे उसके आप? देखिए, सभी पार्टियों के एजेंडे तो आपने अभी तक जो भी देखे होंगे वो सिर्फ बातों के देखे होंगे। हम वादे नहीं, इरादे लेके आए हैं। बाकी सब लोग वादे लेके आते हैं, वो वादे आप अगर उठा के देखें तो केजरीवाल साहब ने जब दिल्ली की राजनीति में कदम रखा था तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। जब पिछले विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री पूरा पूर्ण बहुमत से जीत के आए और उन्होंने इतने सारे वादे किए, उसमें से कितने वादे पूरे हुए ये आप जनता से पूछेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि भाई, मैं तो एक पॉलिटिकली प्रत्याशी हूँ, अगर मैं यहाँ पर उनके वादों को गिनवाने लगूंगा तो ये सब लोग ये कहेंगे कि ये भाई प्रत्याशी है और एक राजनीति खेल रहा है। वो जनता के बीच आप जाइए, आप जनता उसका जवाब दे देगी। किस प्रकार से उन्होंने झूठे वादे किए, महिला सुरक्षा बिल लाने की बात की, और आज ये स्वराज की जब बात करते हैं तो ये तो पार्टी आंदोलन जब कर रही थी अन्ना हजारे जी के टाइम में, स्वराज और ये पूर्ण राज्य का जो दर्जा मांग रहे थे ये उस समय की बात थी। पिछले 4 साल बीत चुके हैं, कुछ महीनों बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, अब इनको याद आ रही है क्या पूर्ण राज्य का दर्जा? इतने दिन से कोई याद नहीं है, कहीं कोई चिल्लाता दिखा क्या कोई इनका विधायक, मंत्री या खुद अरविंद केजरीवाल साहब कहीं दिखाई दिए? सदन में भी नहीं चिल्ला रहे, कहीं मीडिया में भी नहीं चिल्ला रहे, आज ये पूर्ण राज्य की बात करते हैं। तो पूर्ण राज्य, मैं तो कहता हूँ कि पूर्ण राज्य मिले ना मिले, दिल्ली को, दिल्ली के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, दिल्ली के लोगों को रोटी मिलनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को सही जो उनको चाहिए, जो उनकी सुख सुविधा के साधन है वो मिलने चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगा। ये चिल्लाने तो केजरीवाल साहब तो चिल्लाते ही रहेंगे, आज पूर्ण राज्य मांग रहे, दिल्ली विधानसभा आएंगे तो कुछ और मांगेंगे, उनका क्या है? वो तो हड्डी किस्म के इंसान हैं, उनको मांगने दीजिए जो भी है। हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा है, आज हम जो चुनावी मैदान में उतर के आए हैं। देखिए बॉस, मैं भी बहुत काफ़ी टाइम से 18 साल से पॉलिटिक्स में रहा, मैं भी बहुत बारीकी से सभी की राजनीति को देखा, सभी दलों को देखा। गरीबों के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ बड़े बड़े मैनिफेस्टो मीडिया के सामने वो लोग पेश करते हैं, लॉन्च करते हैं, और वो गरीब तक पहुंचे नहीं पाता है। लुभावने वादे तो दे देते हैं गरीबों को, लेकिन जब वोट आता है तो फिर उन्हीं लुभावने वादों के साथ फिर उनको बरगलाया जाता है और उनको, तो आज उसी चीज़ को हमने चैलेंज करते हुए गरीबों को अपना प्रत्याशी बनाने की जो राजन जी ने ठानी है, और निर्दलीय मोर्चा आज बहुत देश से, काफ़ी राज्यों से राजन जी को फ़ोन आ रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम बिहार से लड़ना चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहते हैं। तो अभी राजन जी का ये फैसला तो नहीं है कि हम पूरे देश में लड़ें, तो दिल्ली की 7 सीटों पर अभी हम लड़के ये साबित करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली का गरीब जो आपके लिए लाइनों में लग के वोट कर सकता है, वो लाइनों में लगने के बावजूद उस कुर्सी पे भी जा सकता है जहां आपको पहुंचाता है। अगर आपकी जीत सुनिश्चित होती है और आप लोकसभा चुनाव दक्षिण दिल्ली से जीत कर आते हैं तो कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए आपके द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? हालांकि अभी जो वर्तमान में सांसद हैं रमेश भदुड़ी हैं, और अभी जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है, ध्वस्त पड़ी हुई है, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या कदम, ठोस कदम उठाओगे इसके लिए? देखिए, कानून व्यवस्था के लिए सीधे सीधे अगर सांसद महोदय को जिम्मेवार ठहरा दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। कुछ हम लोगों की जिम्मेदारियां भी बनती है, प्रशासन की तो बनती है, कुछ हम लोग, क्योंकि कुछ आज वही हम काम करने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, अगर कोई आदमी किसी के साथ अत्याचार कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, आँख बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं
और निकलने के बाद हम क्या करते हैं कि जब एक चीज़ हमें आदत पड़ जाती है कि आज अगर किसी को किसी ने बस स्टैंड पे किसी को कोई मार रहा है, पीट रहा है, बहुत बुरी तरह से मार रहा है, और हम क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद करके हम सोचते हैं यार क्यों हम किसके चक्कर में पड़ेंगे, हम तो आँख बंद करते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन राजन जी के माध्यम से, हमारे निर्दलीय मोर्चा के माध्यम से, आज हम इस दिल्ली राजधानी के अंदर लोगों को एक आवाज़ उठाने का माध्यम दे देंगे। क्योंकि अगर सांसद साहब के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते तो कम से कम खड़े होकर ये एक साबित, एक मिसाल कायम कर देंगे कि हम भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने के सक्षम हैं। दिल्ली वासियों के लिए कोई संदेश जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हो हमारे माध्यम से? मैं तो दिल्ली वासियों को यही संदेश दूंगा, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, कृपया करके किसी के बहकावे में ना आके अपनी विवेक से काम लेके इस बार वोट कीजिए। मैं किसी भी दल, किसी भी नेता की कोई बुराई नहीं कर रहा आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको ठीक लगे, जो आप देश के हित में हो, जो दिल्ली के हित में हो, आप उनको चुन के लाए। पिछले सांसद हमारे सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, आप दिल्ली का एक ऐसा काम बता दो जो किसी सांसद ने किया हो। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को एक काम दिया था कि सभी सांसदों ने एक एक लोकसभा के अंदर जितनी विधानसभाएं आती हैं उनमें से एक एक दो दो कोई गांव को इसको गोद लेने का एक वो निकाला था कुछ काम करने का। अभी आप मुझे बता दीजिए दक्षिण दिल्ली के अंदर माननीय रमेश विदुड़ी जी ने कौन से गांव को गोद लिया था और कितना डेवलपमेंट किया है? अगर किया है तो उसे साबित करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हुंकार 24/7 को कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद जय भारत। जैसे कि आपने निर्दलीय मोर्चा से सुनील कुमार तंवर, जो कि दक्षिण दिल्ली के लोकसभा उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनको सुना और उनके विचार सुने। उनके द्वारा दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई भी विकास कार्य के नाम पे कोई भी काम नहीं किया है, बस सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। हालांकि अगर इनके प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो दिल्ली के विकास के लिए इनकी, इनके प्रत्याशियों की एक अहम भूमिका रहेगी। फिलहाल अब बने रही हूँ 24/7 के साथ। कैमरामैन अमित के साथ महेंद्र आर्य, धन्यवाद।